सब्जी मंडी में हम्माल का काम करने वाले एक युवक के पास से पुलिस ने एक देसी रिवॉल्वर सहित 7 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। क्राइम ब्रांच यूनिट 5 की टीम को गोपनीय जानकारी मिली थी, जिसके बाद इस युवक के घर पर छापा मारकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पकड़ा गया आरोपी 35 वर्षीय डिप्टी सिग्नल झोपड़पट्टी मिनी माथानगर में दुर्गा बाई बाले के घर किराए से रहने वाला जलेंद्र लोधी है। जलेंद्र कलमनाथ सब्जी मंडी में हमाली का काम करता है। क्राइम ब्रांच यूनिट 5 की टीम ने गोपनीय जानकारी मिलने के बाद उसके घर से एक देसी रिवॉल्वर और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए है। पूछताछ में आरोपी ने इस रिवॉल्वर को आगरा के एक व्यापारी से लेने की बात स्वीकार की है, जिसके आधार पर पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। पकड़ी गई देसी रिवॉल्वर और जिंदा कारतूस कुल कीमत 17,500 रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई डीसीपी सुदर्शन मुमक्का के मार्गदर्शन में थानेदार किशोर पर्वते, सहायक पुलिस निरीक्षक रियाज मुलानी, पुलिस हवलदार साबले, सूरज भारती, पंकज तांबड़े, श्रीकांत सुनील वानखेड़े, जितेंद्र दुबे, पंकज लांडे, हिमांशु ठाकुर, प्रफुल्ल पारधी, गोपाल यादव और विकास चन्हा देने की है। हमें कल एक माहिती मिली थी कि कलमना हद्दी में एक इसम के पास एक देसी कट्टा होने की जानकारी मिली। उस जानकारी के आधार पे हमने इस आदमी को खोज निकाला, उससे पूछताछ किया। उसमें इसने कबूल किया कि उसने अपने घर में एक देसी कट्टा छुपा के रखा है। इस माहिती के आधार पे हमने उस व्यक्ति के घर में दबिश दी, घर की तलाशी ली। उस तलाशी में एक हमको देसी कट्टा और 7 लाइव कार्ट्रिज यानी कारतूस मिले हैं। उसको हमने ताबे में लिए है और आगे की पूछताछ शुरू है। उसके पूछताछ में उसने बताया कि उसको एक व्यक्ति ने 1.5 साल पहले उसको दिया है और आगे की जानकारी हम उससे और लेना शुरू है और उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। नहीं, इसके ऊपर कुछ अभी तो गुनाह नहीं है दाखिल। इसका झलेंद्र लोधी नाम का एक इसम है और एक कर्मणा मार्केट में काम करता है। NBCN न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।